नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह शनिवार की रात को नर्मदा नदी के बैक वाटर की वजह से वहां के जल स्तर बढ़ने से मनावर तहसील के एकलबारा गांव की तस्वीर है। इस गांव में 60 से 70 मकान है। यह पूरा गांव ही डूब की जद में आ गया। यहां से लोग अब पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि एकलबारा गांव के डूबने के बाद यह तबाही का मंजर जो है दिल दहलाने वाला है। ग्रामीण अपने बसेरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि इनके घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब हालात ये बन गए हैं कि इनके घरों का राशन बह चुका है, खराब हो चुका है, पशु हानि हो चुकी है। यहाँ पर कई लोगों को सिर्फ तन पर कपड़े ही बचे हैं, बाकी सब कुछ बह गया। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर कोई सूचना डुबकी नहीं दी गई। अचानक से 1.5 घंटे में पानी बढ़ा और हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ग्रामीण यह भी आरोप लगाते हैं कि जिन घरों को डूब से बाहर बताया गया था, वह घर भी अब डूब की जद में आ चुके हैं। वही गाँव में कई लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। घरों से सांप छछुंदर निकल रहे हैं। किसानों की फसलें पूरी खराब हो चुकी है। समस्या विकराल है। एक युवक ने तो रोते रोते बताया कि मैं इंदौर में था, एकलबारा में बाढ़ आ गई। मेरे माता पिता अकेले घर में थे। कहाँ फोन करूं, किससे मदद मांगूं, समझ ही नहीं आया, क्योंकि गांव में हर व्यक्ति, मेरे हर दोस्त अपने परिवार को बचाने की जद में लगे हुए थे। अब नर्मदा नदी का पानी उतरने के बाद गांव में तहसीलदार पहुंचे हैं। सर्वे करने की बात कही जा रही है, हालांकि पटवारियों की हड़ताल होने से सर्वे में दिक्कतें आ रही है। वही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा खुद कल नर्मदा पट्टी के गांव में पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया था। उन्होंने ग्रामीणों के बीच कहा था कि शासन स्तर पर ये सारी बातें पहुंचाई जाएगी। ग्रामीणों ने सर्वे में अतिवृष्टि से डूब के फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया था। कलेक्टर ने कहा कि बैक क्वार्टर से डूब लिखा जाएगा। वह तहसीलदार ने भी माना कि एकलबारा पूरा गाँव ही डूब की जद में आ चुका है। यहाँ पर नुकसानी का सर्वे करवाया जा रहा है। पीढ़ियों से लोग जो इस गांव में रह रहे थे, जिनका बसेरा था, अब मकान ढहने से, सामान बहने से, सांप छछूंदर निकलने के कारण घरों से पलायन को लोग अब मजबूर हैं। यह तस्वीर एकलबारा से पलायन की दुखद तस्वीर है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। से नहीं आए, आप देखेंगे कि जो मेरे घर का मेन द्वार था, जो वो इस दीवार की वजह से पूरा तबाह हो गया, और हम लोग अभी चलने की स्थिति नहीं। आप देख सकते हैं मैं गिर सकता था। यहाँ ये मेरा पूरा, मतलब जो हम लोग मेन जिसको मानते थे, वो पूरा तहस नहस हो गया है। यहाँ का हमने गेट तोड़ा है, और यहाँ से आते वो मेन गेट है वो तो गिर गया है। फिर ये आप देख सकते हैं परिस्थिति। ये किचन सर, हमारा किचन जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कहाँ बनाएंगे हम खाना, अब कहाँ बनाएं, ये पूरी तरीके से तबाह हो गई। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये वॉशरूम और ये टॉयलेट सर, ये दोनों चीज़ें भी तबाह हो गई है सर। आप उसके बाद में देख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा अनाज स्टोर करके रखा था कि हम लोग जब भाव आएगा उसके बाद बेचेंगे, तो ये कपास ये यहीं रखा रह गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कुछ नहीं बताया कब आएगा पानी, क्या होगा, कोई डिंडोरी नहीं पिटी गई। झूठ बोल रहे हैं, हमारे बोलने के बाद आज से डिंडोरी पिटना चालू करी उन्होंने कि 123 गेट और खोल दिए, 14,000 क्यूसेक मीटर और पानी। जो हमारा खाने का गेहूं हमने स्टोर करके रखा था, उसकी ये उसकी परिस्थिति आप देखेंगे, वो खाने योग्य तो नहीं है, पर हमारे साथ मवेशी भी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम तो कुछ भी खाएंगे, पर हमारे से ज़्यादा मवेशी अगर खा ले तो वो ठीक हो जाए। सर देखिए, आप देख सकते हैं सर, जैसे ये यहाँ पे ऐसे जानवर भी है सर, ये सांप। अब मैं को ये बताओ कि ये इस परिस्थिति में ये सांप हमको नहीं काटेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। चार के पेन है। इतना अगर पता होता तो इतना होता ही नहीं क्या। इसको अगर आप ऐसा लेंगे तो बड़ा दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये केवल इसी गांव का विषय नहीं है, ये नर्मदा पट्टी के कम से कम 34-35 गांव का विषय है, इसलिए निर्णय मेरे स्तर पर नहीं होना है।
निर्णय शासन स्तर पे होना है, लेकिन आप लोगों की जो वस्तु स्थिति की रिपोर्ट है कि कल को इसमें कोई ऊंच नीच ना हो जाए कि साहब उस समय आप लोगों ने सही समय रिपोर्ट नहीं बनाई, वो मैं बना करके आप लोगों की पूरी रिपोर्ट भेजूंगा और शासन में बात भी करूंगा कि भाई देखिए यहाँ तक पानी चला है। सर ये बात अभी एक तारीख का कलेक्टर साहब के सामने हमने रखी है, आप लोग को सूचित भी कर देंगे कि हमने बताया है। एक चीज ये कलेक्टर साहब भी है, पूरी चर्चा हुई यार, उन्होंने बात आगे भी बढ़ाई। हमारा बालक पढ़ने चला गया बाहर, अब उन्होंने एक भाई ने मकान बना लिया पुणे में, आप नागरिकता यहाँ है, जमीन यहाँ है, भाई यहाँ है, सब यहाँ पर, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अधिकार उनका, जो भी नियम निर्धारित। सर मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह तोमर है और मेरे पिताजी का नाम बुद्धे सिंह तोमर है, मैं एकलवाड़ा का रहने वाला हूँ। और जैसे इस समय जब उन्होंने सर्वे करा था तो सर्वे में उन्होंने सर्वे तो कर लिया था, बाकी मुझे अभी तक भूखंड वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है। उनका ये कहना था कि जब आप डूबेंगे, जब आपका मकान पूरा डूब में जाएगा तब आपको प्राप्तता आएगी। अब मेरा पूरा मकान डूब के खत्म हो चुका है, मेरे मकान में भी कुछ भी नहीं है, दरवाजा भी बड़ी मुश्किल से खुला था, दीवारें वगैरह पूरी गिर गई। अब मेरी शासन से ये मांग है कि मुझे प्लाट अब तो देंगे कि नहीं देंगे, मेरा पूरा मकान डूब के खत्म हो चुका है, मेरे पिताजी को नहीं मिला प्लाट, मुझे नहीं मिला है, जो 60-90 की जो प्रशासन ने जो सबको दिए थे प्लाट मुझे वो दिलवाया। प्रशासन सर्वे कर रहा है उसमें किस चीज का सर्वे हो रहा है? सर्वे सब पंचनामा बना रहे, नुकसानी का बना रहे, कितना क्या नुकसान वगैरह हो रहा है उस हिसाब से पंचनामा बन रहा है। व्यक्तिगत जो पंचनामा बनना चाहिए भी, आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो चीज का भी एक सर्वे किया जाए, सर्वे टीम को बुलाया जाए। राजस्व द्वारा जो पंचनामा बनाया जा रहा है इससे आप संतुष्ट है ना? अभी लिख के तो ले जा रहे हैं, आगे क्या गवर्नमेंट क्या देती है, किसके खाते में कितना क्या डालती है, अभी गवर्नमेंट ही जाने। आपका नाम बता दें। मेरा नाम है कैलाश गिर गोस्वामी, कहाँ रहते हैं आप? एकलवाड़ा, ये मकान अपना है यहाँ पे। अच्छा, क्या परेशानी यहाँ पर? परेशानी क्या, वो पानी में सब सिर्फ कपड़े शरीर पर के लेके यहाँ के सब लोग गए, बाकी टोटल सामान बह गया। प्रशासन द्वारा सर्वे नहीं किया? अभी कोई सर्वे मतलब आए थे सब चले गए, देख दिखवा गए, पर कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। क्या खाने माने की व्यवस्था? खाने माने की वो सब सब्जी पूरी कल से दे रहे हैं। कितने लोगों की आबादी है, कितना नुकसान हुआ होगा एक अनुमान? अरे मैं बताऊँ, गरीब से गरीब का एक 1-2 लाख का, और उससे मीडियम वाले के 5 लाख, और बाकी तो 20-40 लाख के आसपास होगा, 50 लाख के आसपास। किसी के टहने 210 क्विंटल भरे, किसी के घर 50 है, किसी के घर 10-20 भात के भी रखे हुए ना, जो खाने के रखे 5-5, 10-10 क्विंटल। अच्छा, छोटा आदमी से किसान मतलब चने के दाल। कितने मकान पानी से प्रभावित हुए हैं? सब पूरा गांव। कितने होंगे लगभग? फिर मैं बता रहा ना, 110 के आसपास होंगे साहब। 250 परिवार बता रहे वो कौन अपने जो पहले आए थे जिन्होंने। नाम बता दो आपका, कहाँ रहते हैं? मेरी तुराज सिंह तोमर, मेरा निवास यहीं ग्राम एकलवाड़ा में था ही बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि अब वह स्थिति नहीं है कि मैं बोल सकूं कि मैं यहाँ रह पाऊंगा। यह रहने योग्य स्थान है, आप खुद देख सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ आप खुद महसूस करिए कि यहाँ एक क्षण नहीं रुका जा सकता है। फिर भी हम लोग इस कंडीशन में अभी भी हैं, रात को भी थे। क्या करना चाहिए इस कंडीशन का? और ये सारी नाकामियाँ गलती सरकार की है, ये लोग हमें 6 इंच दूर बता के बोलते हैं आप डूब से बाहर हैं। तो ये स्थिति, ये गवर्नमेंट की नाकामियाँ हैं कि 6 इंच दूर में कोई किसी घर को कैसे आप बोल सकते हैं कि ये डूब से बाहर है। अभी भी ये बोलते हैं कि हम लोग चारों तरफ दीवार बनवा देंगे, पानी नहीं घुसने देंगे। दीवार बनवा के करवाओगे क्या? ये दीवार के ऊपर पानी, आप देखिए ये विजुअल देखिए, ये कहां तक पानी गया। दीवार बनवाएंगे तो क्यों नहीं जाएगा सर पानी? वहां दीवार के ऊपर से पानी आएगा। आप अभी भी अत्यधिक वर्षा बोल रहे, ये सरदार सरोवर डैम की वजह से जो बैकवाटर आया है उसकी वजह से ये गांव डूबा है, और उसी की वजह से डूबा है। माना अत्यधिक वर्षा थी, लेकिन आपकी नाकामियां आपकी गलतियां उसके कारण ये जो पानी आया है वो यहाँ इस लेवल तक आया है। इसी सूचना आपको नहीं दी थी? कोई सूचना नहीं सर, कोई सूचना नहीं। 1.5 से 2 घंटे में पूरा गांव पूरी तरीके से डूब गया, जलमग्न, इतना इस पानी से लोग बाग निकले हैं। सर मैं तो इंदौर में था, मेरे माता पिताजी यहाँ अकेले थे, और मेरा घर सबसे कोने में, उन्हें कोई देखने नहीं आया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं आ पे थे। सर क्या करता हूँ मैं, वहां से कॉल करूँ, किसको करूँ? मेरे दोस्त को कॉल करूँ तो वो दोस्त भी अपने घर वालों को बचा रहे थे, मेरे मम्मी पापा अकेले बचे थे वहाँ। शासन प्रशासन की क्या सुविधा है, डॉक्टर वगैरह क्या है? सर आप अगर ये बाढ़ प्रभावित हुआ है गांव, तो शासन प्रशासन ये खुद अपने दिमाग से सोच सकता है कि वहां पे पानी, भोजन, हॉस्पिटल
कि जो थोड़ी फर्स्ट एड हो सकता है वो लो। अभी तक नहीं है, मेरा कल एक्सीडेंट हुआ, मुझे बाहर जाना पड़ा, ये मुझे यहाँ चोट आई है, इस साइड पूरा मैं घिस गया था सर। और मतलब यहाँ पे जो घर है वो अभी भी गिर रहे हैं, मतलब ढह रहे हैं, फिर भी हम लोग परेशान है सर। कोई फर्स्ट एड अभी भी फर्स्ट एड वाला ये बोल रहे हैं कि आपने बताना चाहिए, हम लोग हमारी अभी समझ हमें समझ नहीं आ रही है, हमारे घर डूब गए और आप बोल रहे हैं कि हम बताएं। आप लोग कैसे आए हैं यहाँ पर? आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि आपदा के समय में क्या क्या लगता है सरकार वहाँ के लोगों को, ये तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में सिखाया जाता होगा ना। कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं। लोगों की जनसंख्या गाँव में कितने मकान है सर? इसकी ज्यादा जानकारी जो यहाँ पर पूर्ण रूप से रहते हैं वो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं ज्यादातर समय गांव के बाहर रहा हूँ। मकान सर नाम बताने किस वक्त है सर? दिनेश सोनारतिया, तहसीलदार मनावर। सर ये जो अभी एकलवारा गांव में जो सर्वे चल रहा है, कितने मकान प्रभावित और कितने डूब में आ रहे हैं उसमें? एकलवारा में लगभग पूरा गांव ही उसमें पानी घुसा था, और अब घर में जिन जिन का क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी सर्वे टीम जांच कर रही है। तो सर ये मतलब जो डूब में जो मकान आए, ये इनको अपन ने मुआवजा नहीं दिया शासन की तरफ से क्या? उसी का सर्वे चल रहा है ना, किन का क्या नुकसान हुआ है। 100 मकान? हाँ, करीब 80-90 मकान है वहाँ पे। सर पानी घुसने से पहले सूचना करने के लिए अगर बता रहे थे ग्रामीण की, हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि पानी बढ़ने वाला, जल स्तर तेजी से। अब वो अत्यधिक बारिश हुई और उसी की वजह से एकदम से वो हुआ।